हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में रोजगार, कर्मचारियों और जनकल्याण से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को मंजूरी दी है। ये योजना केंद्र और राज्य सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, प्रारंभिक शिक्षा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संयुक्त प्रयासों से चलाई जाएगी। इस योजना में विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए कई गहन हस्तक्षेपों के माध्यम से माताओं और बच्चों की पोषण स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार की परिकल्पना की गई है। इस योजना का बजट 65 करोड़ रुपए है और ये डायरिया, निमोनिया और एनीमिया जैसी बीमारियों से लड़कर बचपन में कुपोषण को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। कैबिनेट ने राज्य में चलने वाली HRTC की साधारण बसों में महिला यात्रियों को किराए में 50% की रियायत देने का फैसला लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री की ओर से हिमाचल दिवस के अवसर पर 15 अप्रैल 2022 को चंबा में घोषणा की गई थी। साथ ही कैबिनेट ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में 160 करोड़ रुपए के टर्म लोन लेने के लिए सरकारी गारंटी प्रदान करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की और इससे 360 नई बसें खरीदी जाएंगी। इससे लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट ने 1 मई 2022 से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को निशुल्क घरेलू जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को LPG कनेक्शन के समय दिए जाने वाले रिफिल के अतिरिक्त 2 निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध करवाने का भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को 12 सप्ताह तक का चाइल्ड एडॉप्शन लीव स्वीकृत करने को भी स्वीकृति मिली है। कैबिनेट ने राजस्व विभाग के पटवार सर्कलों में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों का मानदेय मौजूदा 4,100 से 5,000 प्रति माह करने का फैसला लिया है। साथ ही राजस्व विभाग में लंबरदारों के मानदेय को मौजूदा 2,300 से 3,200 रुपए प्रति माह करने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने मिड मील के तहत 1 अप्रैल 2022 से कुकम सहायिका के मानदेय में 900 रुपए की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 20,650 से अधिक सहायिकाओं को लाभ होगा। बैठक में शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में 1 अप्रैल 2022 से 900 रुपए प्रति माह करने का निर्णय दिया गया है। इससे 581 जलवाहक लाभान्वित होंगे। कैबिनेट ने SMC के तहत नियुक्त सभी श्रेणी के 2,477 शिक्षकों के मानदेय में 1,000 रुपए की वृद्धि करने का भी निर्णय लिया है। ये 1 अप्रैल 2022 से लागू माना जाएगा। शिमला से न्यूज़ सुपर भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।